हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे कोर्स पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स में। आज की वीडियो में हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली देखने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को, वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना हमेशा की तरह वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है पाइथन में, एंड हमने उसके मेजर प्रिंसिपल्स भी देखे थे। और उन मेजर प्रिंसिपल्स में दो ऐसे प्रिंसिपल थे जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो थे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो एक एक करके दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। तो उससे पहले मैं अपनी एक पाइथन की न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम मैं देता हूँ tutorial43.py। तो पहले आप बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट होता है इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, एंड हमारा क्लास होता है ब्लूप्रिंट वो ऑब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि अगर हमें एक कार को डेवलप करना है, तो कार को डेवलप करने से पहले हमें उसका एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करना होता है। तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि ब्लूप्रिंट मतलब होता है हमारा क्लास, एंड एक्चुअल कार जो है वो हमारी एक ऑब्जेक्ट है। तो इससे हमें ये समझा कि जब तक हम एक क्लास क्रिएट नहीं करते हैं, तब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, एंड हमारे फंक्शंस डिफाइन होते हैं def कीवर्ड की मदद से। तो वैसे ही हमारा जो क्लास होता है वो डिफाइन होता है क्लास कीवर्ड की मदद से। एंड यहाँ पर हमें क्लास लिखकर एक स्पेस देकर हमारे क्लास का नेम देना है। तो यहाँ पर मैं हमारे क्लास का नेम देता हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने हमारे क्लास का नेम दे दिया स्टूडेंट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि हम फंक्शंस एंड इफ एल्स डिफाइन करते टाइम एक कोलन देना पड़ता है हमें एंडिंग में, तो वैसे ही हमें यहाँ पर कोलन देना होगा एंडिंग में। तो क्लास कंटेन करती है एक एट्रीब्यूट्स, एंड सेकेंड होता है उसका बिहेवियर। और यहाँ पर हमारा एट्रीब्यूट्स होता है डेटा मेंबर, जो कि नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं, एंड जो हमारा बिहेवियर होता है वो होता है मेथड्स। एंड मेथड्स क्या होता है, मेथड्स होता है फंक्शंस, एंड फंक्शंस हमने डिस्कस किया है इस सीरीज में पाइथन की। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा और उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो, नहीं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। तो अब मैं यहाँ पर हमारी ये क्लास में एक वेरिएबल डिफाइन करना चाहूँगा, जिसका नाम मैं देता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू। यहाँ पर मैं डबल कोट्स के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इसको एम्प्टी डिफाइन करना है। और यहाँ पर मैं हमारी क्लास के बाहर आ जाऊँगा इंडेंटेशन हटाकर। तो अब मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं ए, एंड हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर ए लिखकर वेरिएबल डिफाइन कर देंगे, तो आपको पता होगा कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर उसको कुछ वैल्यूज देनी होगी ताकि उसका टाइप डिफाइन हो। एंड वो हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा पाइथन है वो डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। इसमें हम हमारे स्टैटिक टाइप लैंग्वेजेस की तरह हमारे डिक्लेरेशन के टाइम हम उसका टाइप मेंशन नहीं करते हैं। तो अगर हमें इंटीजर वैल्यू क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए इक्वल्स टू 10, तो ये ए वेरिएबल का टाइप हो जाएगा इंटीजर। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20.1, तो ए वेरिएबल का टाइप यहाँ पर हो जाएगा फ्लोट। और अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेट में ए एन यू जे लिख देता हूँ तो ए वेरिएबल का टाइप हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर इस क्लास के इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना होगा। और ऑब्जेक्ट हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसको हमें बताना होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हम क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट क्लास टाइप का। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना चाहूंगा जिसका नाम मैं लिखता हूँ अनुज। एंड जैसे कि हमने देखा कि इंटीजर वेरिएबल्स को कैसे हम वैल्यू असाइन करते हैं तब उसका टाइप डिफाइन होता है, तो वैसे ही हमें यहाँ पर अनुज नाम के ऑब्जेक्ट को उसका टाइप डिफाइन करना है, वो भी होना चाहिए स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टूडेंट, जो कि हमारा क्लास है, और यहाँ पर हमें दे देना है सिंपली पैरेंथिसिस। अगर मैं ये करता हूँ तो ये हमारे अनुज का टाइप हो जाता है स्टूडेंट, एंड हमने यहाँ पर अनुज नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो ऐसे ही हम पाइथन में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, एंड इसके अंदर मैं लिखता हूँ टाइप, जो कि हमने हमारे बिल्ट इन फंक्शन के वीडियोज में देखा था कि हम टाइप फंक्शन की मदद से किसी भी वेरिएबल का टाइप चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अनुज, एंड अगर मैं ये प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप देख सकते हो ये मुझे बता रहा है कि हमारा जो ये अनुज ऑब्जेक्ट है उसका टाइप है क्लास स्टूडेंट। एंड अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट,
एंड यहाँ पर लिखूंगा टाइप फंक्शन एंड इसके अंदर मैं इस बार पास करूंगा हमारा ए वेरिएबल। एंड अगर मैं ये प्रोग्राम को रन करके दिखाऊंगा आपको, आप देख सकते हो ये मुझे बता रहा है क्लास इंट। तो अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पाइथन में ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि हम यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल भी डिफाइन करेंगे तो वो एक ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड होगा। एंड वैसे ही अगर हम यहाँ पर कोई भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जैसे कि अगर मैं स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन करता हूँ तो उसका वेरिएबल भी एक ऑब्जेक्ट ही कंसिडर्ड होता है पाइथन में। एंड अगर हमें यहाँ पर इस स्टूडेंट नेम की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर हमें एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखना होगा और इसके अंदर हमें क्या लिखना होगा, हमारे ऑब्जेक्ट का नेम जो कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ अनुज। एंड यहाँ पर मैं सिंपली डॉट दे दूंगा एंड डॉट लिखकर जैसे ही मैं यहाँ पर stu डालता हूँ, आप देख सकते हो ये मुझे सजेशन में स्टूडेंट नेम लिखकर आ रहा है। और अगर मैं इस पर क्लिक करके हमारे इस प्रोग्राम को रन करूँगा, आप देख सकते हो ये मुझे यहाँ पर एक एम्प्टी लाइन प्रिंट करके दे रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस स्टूडेंट नेम के अंदर कुछ वैल्यू दे देता हूँ ताकि हमें पता लगे कि वो प्रिंट क्या हो रहा है। एंड मैं इन दोनों लाइन को भी कमेंट आउट कर देता हूँ। और अगर मैं वापस से हमारे प्रोग्राम को रन करता हूँ, आप देख सकते हो इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया है अनुज, जो कि हमने यहाँ पर हमारे स्टूडेंट नेम वेरिएबल को असाइन किया था। तो ये तो हो गया कि फर्स्ट वे कि हम कैसे हमारे क्लास के वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एंड इस बार मैं इसके अंदर लिखूंगा स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट नेम। एंड अगर मैं ये प्रोग्राम को रन करता हूँ, आप देख सकते हो ये मुझे 2 times अनुज प्रिंट करके दे रहा है, क्योंकि हमने फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट में स्टूडेंट क्लास डॉट स्टूडेंट नेम वेरिएबल को यूज करके हमारी वैल्यू प्रिंट करने का ट्राई किया। फिर हमने अनुज ऑब्जेक्ट डॉट स्टूडेंट नेम वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने का ट्राई किया। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूँ। तो एक और बार मैं ये रिपीट कर देता हूँ कि पहले मैंने एक क्लास क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम मैंने लिखा है स्टूडेंट नेम एंड हमने उसको वैल्यू असाइन किए अनुज। और फिर मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम मैंने दिया है अनुज। और फिर हमने स्टूडेंट नेम की वैल्यू को प्रिंट किया है फर्स्ट स्टूडेंट क्लास का नेम यूज करके, फिर उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट की मदद से प्रिंट किया। तो अब हम यहाँ पर हमारे स्टूडेंट क्लास के अंदर एक मेथड क्रिएट करेंगे। मेथड मींस फंक्शन, जो कि हम नॉर्मल हमारे DEF कीवर्ड की मदद से क्रिएट करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ हमारे फंक्शन का नेम, जो कि मैं लिखता हूँ ग्रीट। एंड ग्रीट फंक्शन लेगा एक सेल्फ पैरामीटर। और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये जो सेल्फ पैरामीटर है ये मैं आपको मेरी आने वाली वीडियोस में समझाने वाला हूँ, जो कि एकदम डिटेल्ड वीडियो होगी। तो अभी के लिए इस पर इतना ध्यान नहीं देते। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एंड मैं प्रिंट करूँगा हेलो। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमारे स्टूडेंट क्लास के अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका नाम मैंने लिखा है ग्रीट एंड वो फंक्शन हमारा प्रिंट करके दे रहा है हेलो। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्रीट एंड मैं यहाँ पर कॉल करने का ट्राई करता हूँ हमारे ग्रीट फंक्शन को, और अगर मैं ये प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाता हूँ तो आप देखोगे ये मुझे एरर थ्रो कर रहा है, नेम ग्रीट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमारे पाइथन इंटरप्रीटर को पता ही नहीं कि हमने ऐसा ग्रीट फंक्शन हमारे स्टूडेंट नाम की क्लास के अंदर डिफाइन किया है। और जैसे हमने हमारे क्लास के वेरिएबल को कॉल किया था क्लास के नेम से एंड ऑब्जेक्ट की मदद से, तो वैसे ही हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अनुज डॉट ग्रीट। एंड अगर मैं इस टाइम ये प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाऊंगा तो आप देखोगे ये मुझे विदाउट एरर सक्सेसफुली हेलो प्रिंट करके दे रहा है। और अब आप सोच रहे होगे कि हमारा जो ग्रीट फंक्शन है वो एक्सेप्ट कर रहा है सेल्फ पैरामीटर, तो हमको यहाँ पर एक पैरामीटर पास करना चाहिए था जो कि हमने नहीं किया, तो पाइथन इंटरप्रीटर ने हमको एरर थ्रो करना चाहिए था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जब हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं तब हमारा जो ग्रीट फंक्शन है उसको बाय डिफॉल्ट हमारा ये जो अनुज वेरिएबल का एड्रेस है वो पास हो जाता है। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि हमने हमारे फंक्शंस एंड इफ स्टेटमेंट्स में देखा था कि अगर हम हमारे फंक्शंस एंड इफ स्टेटमेंट्स की बॉडी डिफाइन नहीं करना चाहते हैं तब हम एक कीवर्ड यूज करते थे पास कीवर्ड, तो वही सेम हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इन सभी लाइंस को कमेंट आउट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ पास। एंड अगर मैं ये पास लिखूंगा और अगर हमारे इस प्रोग्राम को रन करूँगा
तो आप देख सकते हो ये मुझे एरर थ्रो करने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टूडेंट नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट नहीं किया। तो मैं इन सभी कॉलिंग स्टेटमेंट्स को कमेंट आउट कर लेता हूँ, और अगर मैं ये प्रोग्राम को वापस से रन करके दिखाऊंगा आपको, आप देख सकते हो इसने मुझे विदाउट एरर हमारे प्रोग्राम को रन करके दे दिया है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हम कैसे हमारे क्लास को भी एम्प्टी डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए वापस से समझ लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या किया। तो पहले हमने देखा कि ऑब्जेक्ट्स क्या होता है पाइथन में, एंड हमने देखा कि क्लासेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एंड वो क्लास का हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है क्लास का, वो कलेक्शन होता है वेरिएबल्स एंड मेथड्स। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे क्विज की तरफ। तो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो का जो भी कोड है मैं अपने गिटहब पे अपलोड करने वाला हूँ, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और जाते जाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझा नहीं होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड अगर समझा भी होगा तो भी बता सकते हो। तो बस गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन दिख रहा होगा उसे भी प्रेस कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।